धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब आंखों पे से धर्म की पट्टी हटी तो पता चला आधा देश भूखा और नंगा था। ये भी हकीकत है कि गुजरात में 6000 सरकारी स्कूलों में ताला लग गया, क्योंकि आप 8 सालों में देख सकते हो कि शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था या देश की विकास की, महंगाई, ये सब आप खुद ही तय करो। अपने दिल पे हाथ रखो, भगवान ने दिमाग दिया है, बढ़िया से सोचो, राजनीतिक को अपनी जगह छोड़ दो। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब आंखों पे से धर्म की पट्टी हटी तो पता चला आधा देश भूखा और नंगा था। मित्रों, पूरे देश में धर्म का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। कहीं कोई संदेह की बात नहीं है कि इस धर्म के धंधे में भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल किया है, विजय हासिल किया है। भाई, दो बार सत्ता प्राप्त कर ली तो विजय श्री तो मिली है धर्म के धंधा में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस धर्म के धंधे में फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और दूसरा फायदा यदि किसी को भारतीय जनता पार्टी से हुआ तो वो चंद 2-4 उद्योगपतियों को हुआ। बाकी जो धर्म के धंधे में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, खास तौर से मिडिल क्लास, गरीब गुरबा देश में, उन लोगों को क्या प्राप्त हुआ? महंगाई, बेरोजगारी। अब पता चलता है कि गुजरात में अभी चुनाव है दिसंबर में ही, लेकिन यह भी पता चलता है कि गुजरात मॉडल दिखा के मोदी जी ने खूब बाबाई लूटी, खूब वोट बैंक की राजनीति हुई। गुजरात मॉडल भी खूब दिखाया, धर्म का धंधा भी खूब चला, हिंदू मुसलमान भी खूब चला, वही धर्म का धंधा वही हो गया। लेकिन यह भी हकीकत है कि गुजरात में 6000 सरकारी स्कूलों में ताला लग गया, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते कौन है? गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे, महादलित के बच्चे, ओबीसी, जो गरीब तकबे के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं ना, तो शिक्षा से वंचित किसके बच्चे अब होंगे? पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इन्हीं के बच्चे होंगे। और ये बनेंगे क्या? धर्म का एक कंधे के ऊपर झंडा ढोएंगे, यही प्राप्त होगा? बाकी अमित शाह का बच्चा तो देख ही रहे हो, कानून संविधान भी बदला जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। और जब धर्म की आंखों पे से जो चश्मा लगा हुआ है, एक धर्म का पट्टी, जिस दिन ये अंधभक्तों के आंखों से हटेगा और उन व्यक्तियों के जिन्होंने धर्म की ठेकेदारी झंडा ढोने के लिए ले रखा है, उनको पता चलेगा कि उनके बाल बच्चों के लिए क्या हाथ में आने वाला है, ये तो आप खुद तय कर लो। क्योंकि आप 8 सालों में देख सकते हो कि शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था या देश की विकास की, महंगाई,
ये सब आप खुद ही तय करो, अपने दिल पे हाथ रखो। भगवान ने दिमाग दिया है, बढ़िया से सोचो। राजनीतिक को अपनी जगह छोड़ दो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी भी दल की हो, उसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा के देख लो कि देश कहां जा रहा है और आपका भविष्य कहां जा रहा है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।